हेलो क्लास 8, वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वीडियो। आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 4, टॉपिक मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, धातु अधातु क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज को क्या, उनके टाइप्स होते हैं और किस क्या उसके एग्जाम्पल है। तो चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। सबसे पहले देखिए एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया जाता है दो टाइप्स में, एक आपका मेटल होता है और एक नॉन मेटल होता है। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होता है, एलिमेंट्स वो चीज़ होती है जिससे किसी भी चीज़ को, जिससे मिलकर कोई भी चीज़ तैयार की जाती है। जैसे आपके आसपास देखो कई सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी, है ना, उपस्थित है। कोई चीज़ धातु है, कोई चीज़ अधातु है, कोई चीज़ मेटल है, कोई चीज़ नॉन मेटल है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द थिंग जैसे प्लास्टिक है वो क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, वो मेटल नहीं है, धातु नहीं है। और अगर आपके आसपास कोई लोहे की चेयर है या फिर लोहे का कोई भी आर्टिकल है, सामान है, वो क्या है, मेटल है। तो मेटल और नॉन मेटल की इस तरह से क्लासिफाई किया जाता है, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। लाइक देखिए मेटल्स के एग्जांपल क्या होते हैं, ब्रास हो गया, स्टील हो गया, मेटल स्लज हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, ये सारे के सारे किसके एग्जांपल, आपके मेटल्स के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, जैसे आयरन होता है, सिलिकॉन होता है। ठीक है, अब देखिए सिलिकॉन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, एंटीनोमी, सल्फर, ऑक्सीजन, एयर, कार्बन, ये सब के सब क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं आपके। ठीक है, प्लास्टिक इज ऑल्सो अ नॉन मेटल। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे कि मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटल्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं मेटल के बारे में। मेटल्स क्या होते हैं, मेटल होते हैं हार्ड। आप अपने आसपास देखो जो आयरन के जितनी चीज़ें होंगी, लोहे की बनी हुई जितनी चीज़ें, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक है, टफ होती है। और ये क्या होती है, शाइनी होती है। आप अपने स्केल जो यूज़ करते हैं वो भी एक तरह से क्या है, मेटल होता है, शाइनी होगी। और इसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बीटन करके, जिसको जैसे मान लीजिए आपके पास कोई अगर मेटल है तो उस पर अगर आप हथौड़े या हैमर से वार करते हैं तो इसको आप किस में चेंज कर सकते हो, थिन शीट में। जैसे कि शीट्स कन्वर्ट होते हैं, जैसे कि गोल्डन फॉइल होती है आपकी, या फिर जो लंच बॉक्स आप ले जाते हो। ठीक है, अब वो जो फॉइल होती है ना, फूड फॉइल होती है एल्युमिनियम की, वो भी क्या है, एक तरह से मेटल है, क्योंकि उसको थिन शीट में कन्वर्ट किया जा चुका है। ठीक है, ड्रो इनटू वायर्स, आपके घरों में जो वायर्स लगे किसकी लगी है जरा देख के बताओ, तो वो सारी की सारी किसकी है, मेटल्स की है। ठीक है, जैसे कॉपर की हो गई, एल्युमिनियम की हो गई, तो ये क्या होते हैं, मेटल्स ही होते हैं आपके। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी। इट्स मीन्स देखिए इसका मतलब क्या है क्लास 8, कि जो कंडक्टर क्या होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह चीज़ को ट्रांसफ़र कर सके, उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टर बोलेंगे। अगर आपके घर में मान लीजिए कोई हॉट चीज़ है, गर्म है, ठीक है, अगर उस पर कोई भी आप मेटल की चीज़ को या फिर रॉड को रखते हो, सपोज करिए ये हीट है, ठीक है, आग है, इसमें अगर कोई मेटल की रॉड आप ऐसे रखते हो, ये मेटल की रॉड हो गई आपकी, ठीक है, ये आग है, ये हीट है आपकी, यहाँ पे मेटल की रॉड है, तो जो यहाँ पे हीट होगी ना वो डायरेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगी, मतलब यहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है, ट्रैवल करके, मतलब यहाँ से हीट यहाँ तक पहुँच गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये एक मेटल का तार, मेटल क्या करता है, हीट को कंडक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है मेटल। ऐसी जो किचन होता है, किचन में अगर कोई भी गर्म इडली हो या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, आप उसका जब यूज़ करते हो तो आप देखोगे कि दूसरा हिस्सा भी क्या हो जाता है, उसकी इडली का गर्म हो जाता है, तो हमें कपड़े से उस चीज़ को उठाना होता है, यूज़ करना होता है। ठीक है, तो क्या होता है, मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट को पहुंचाने के लिए एक अच्छा सुचालक, एक अच्छा कंडक्टर होता है आपका मेटल। सेम इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी मेटल के अंदर अच्छे से पास हो सकती है। ठीक है, उसी तरीके से मेटल के एग्जांपल क्या हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, ये सारे के सारे आपके मेटल के एग्जांपल होते हैं। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द मेटल्स अकर इन द कंबाइंड स्टेट ऑफ मिनरल एंड द रिएक्टिव। अब जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपकी माइनिंग मतलब होता है खुदाई करना। जैसे कि जो झारखंड हो गया था, ऐसे कुछ स्टेट होते हैं वहाँ पे इन मेटल्स को ना नीचे ज़मीन के अंदर खोद के उनके उस वहाँ से निकाला जाता है, उसे माइनिंग बोलते हैं उस प्रोसेस को। ठीक है स्टूडेंट्स, वो उसको माइनिंग करके इस मेटल्स को निकाला जाता है ज़मीन के अंदर से। ठीक है, अब कुछ मेटल्स होते हैं रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव मतलब दूसरे के साथ जल्दी से जुड़ जाते हैं, दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं। लेकिन कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो अनरिएक्टिव होते हैं, जो दूसरे के साथ अभिक्रिया नहीं करते, लाइक गोल्ड। गोल्ड ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे साथ रिएक्ट नहीं करता, दूसरे साथ कंबाइन नहीं हो सकता। उस तरीके से सिल्वर होता है, प्लेटिनम होता है, ये के सारे क्या होते हैं आपके, ये फ्री स्टेट में मेटल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि ये रिएक्ट नहीं कर सकते दूसरे मेटल से। ठीक है, ये इनमें रिएक्टिविटी की प्रोबेबिलिटी नहीं है, संभावना नहीं है और काबिलियत भी नहीं है एक तरीके से। ठीक है, तो ये आपके नॉन मेटल्स, अनमेटल रिएक्ट, अनरिएक्टिव मेटल्स होते हैं। ठीक है, मिनरल्स आर फ्रॉम मेटल्स। अब मिनरल्स क्या होते हैं, देखो आप किसी भी चीज़ को ज़मीन के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, अब ज़मीन के अंदर से, अर्थ के अंदर से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ट्रस्ट में निकाल रहे हो, तो मेटल कोई जरूरी थोड़ी है कि आपको कॉपर ही मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, आयरन मिलेगा, उसके साथ साथ कुछ और अनवांटेड चीज़ें भी होती है। ठीक है, तो उस अनवांटेड चीज़ों को दूसरे, जैसे मान लो
कोई आप अगर टॉफी खा रहे हो, अगर आपकी टॉफी नीचे गिर जाती है तो जब उस टॉफी को आप उठाओगे तो उसके साथ धूल मिट्टी मड ये सब कीड़े वो सब चीज़ चिपकी होंगी ना। सिर्फ ऐसा तो नहीं होगा टॉफी क्लीन होगी, क्योंकि उसने दूसरी चीज़ों को अपने साथ चिपका लिया। ठीक उसी तरीके से मेटल भी अपने साथ दूसरी चीज़ों को रिएक्ट कराता है, चिपकाता है, ठीक है। तो उनको हम क्या कहते हैं, ओर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, हम ओर कहते हैं। और जो मेटल हमारे लिए फायदेमंद होते हैं उससे हम क्या कहेंगे, ओर कहेंगे। और जिसके साथ धूल मिट्टी सब कुछ मिक्स होकर आते हैं उसे हम मिनरल बोलते हैं, ठीक है। तो ओर क्या होता है आपका, जो प्रॉफिटेबल होता है, जिससे हमारा फायदा हो, उस मेटल को उस मिनरल को उसको हम क्या बोलते हैं, ओर बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम ओर होता है, लाइमस्टोन होता है, हेमलाइट होता है, ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। देखिए मेटल्स क्या होता है, सॉलिड होता है, ये बात याद रखो। सॉलिड मतलब क्या, टफ। जो आपके आसपास देखो चेयर पड़ी है, जो भी चीज़ें पड़ा, बॉक्स पड़ा है, कोई लकड़ी की बॉक्स पड़ा है, ये सारी की सारी चीज़ें किसकी बनी है, ईंट जो है, आपका घर जो है, वो सब का सब क्या है, एक मेटल है। और ये मेटल क्या होते हैं, टफ होते हैं, सॉलिड में होते हैं। तो क्या होता है, ये मेटल किस में पाए जाते हैं, पहली चीज़ याद रखो किसके अंदर पाए जाते हैं, आप मुझे बताओ तो क्या, किस में पाए जाते हैं, सॉलिड में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं मेटल्स, सॉलिड में, ठीक है। लेकिन एक ऐसा मेटल होता है ना, एक ऐसा मेटल होता है जो लिक्विड में पाया जाता है रूम टेम्परेचर पे, मतलब जो आपके रूम का टेम्परेचर होता है उस पर एक ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में पाया जाता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है, ठीक है। तो इस उस मेटल का नाम क्या है, मर्करी। उस मेटल का नाम क्या है, मर्क्यूरी। आप कॉपी में नोट करो अभी के अभी या फिर स्क्रीनशॉट लो। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में पाया जाता है, द्रव में पाया जाता है, ठीक है, द्रव अवस्था में पाया जाता है मर्क्यूरी, ठीक है। बाकी सारे ऑलमोस्ट मेटल आपके किस में पाए जाते हैं, सॉलिड में, ठीक है। ये आपका पहला फिजिकल पॉइंट की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। मर्क्यूरी एक ऐसा है जो लिक्विड में पाया जाएगा। सेकेंड की बात करते हैं, दे आर जनरली हार्ड। ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। जैसे आप आयरन को देखो, आयरन को देखो और कॉपर को देखो, ये सब के सब क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, इतनी आसानी से इसे आप तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते, और ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। तो जो आपके मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। लेकिन दो ऐसे मेटल हैं जिनको आप किससे कट कर सकते हो, चाकू से भी कर सकते हो, ठीक है। उन दो मेटल्स का नाम क्या होता है, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। ये दो ऐसे मेटल्स हैं आप जिनको चाकू से भी कट कर सकते हो, ठीक है। ये रहे आपके सोडियम और पोटेशियम, इसको भी आप कॉपी में नोट करोगे, एक्सेप्शन जरूर याद रखोगे। ऐसे दो मेटल है जिनको आप चाकू से भी कट कर सकते हो, बाकी सारे आपके कैसे होते हैं, स्ट्रांग और हार्ड होते हैं। तो ये आपका सेकेंड फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, सिवाय सोडियम और पोटेशियम के। सोडियम और पोटेशियम एक ऐसे मेटल्स है जिनको आप चाकू से भी कट कर सकते हैं। थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर ऑफ हीट का अर्थ होता है और इलेक्ट्रिसिटी, जो एक जगह से दूसरी जगह बिजली या तापमान को पहुंचा सके। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आप घर में किसी भी किचन में जाते हो और अपने केटली में किसी चीज़ को गर्म करते हो, तो वो केटली जो होती है आसपास से या फिर उस केटली का जो हैंडल होता है वो भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। क्यों, वहाँ तक हीट पहुँच जाती है, क्यों, क्योंकि वो एक मेटल की होती है और मेटल एक जगह से दूसरी जगह हीट पहुँचाने में अच्छा होता है, ठीक है। इसकी गुड क्वालिटी होती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। इस तरीके से जो चिमटा होता है, उस चिमटे को अगर आप मान लीजिए किस चीज़ से चिमटे हो, किसी चीज़ को बॉईल कर रहे हो, कहीं यूज़ कर रहे हो, तो जो उसका जहाँ से आप पकड़ते हो हैंड पार्ट होता है ना, वो भी एक गर्म होने लगता है, वहाँ पे भी हीट पहुँच जाती है। ये ऐसा किस लिए पॉसिबल हो पाता है, क्यों, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, हमारे घरों में जो वायर्स यूज़ होते हैं वो कॉपर की, एल्यूमिनियम की, ये सब मेटल के यूज़ होते हैं। तो खास बात ये होती है कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं। अगर इसकी जगह आप कोई नॉन मेटल यूज़ करोगे, प्लास्टिक यूज़ करोगे, लोहे की चीज़ ना यूज़ करोगे, तो इलेक्ट्रिसिटी एक जगह से दूसरी जगह कभी नहीं पहुंच सकती। तो आपके जो मेटल होते हैं एक जगह से दूसरी जगह सुचालक होते हैं, अच्छे सुचालक होते हैं ऊष्मा और बिजली के, ठीक है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और गुड कंडक्टर ऑफ हीट इसे माना जाता है। फोर्थ पॉइंट है, मेटल सच एज अ गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ऑल हैव अ लस्टर। लस्टर मतलब होता है चमकीला, चमकदार। तो जितने भी आपके सिल्वर होता है, देखो गोल्ड होता है ना, जो गोल्ड होता है, सोना होता है, वो कितना चमकदार होता है, कॉपर भी, ये सारे के सारे क्या होते हैं, लस्टर होते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ शाइनिंग एंड रिफ्लेक्ट लाइट, दे आर फॉर लस्टेरियस, ठीक है। तो आपके मेटल के अंदर चमकने की क्षमता, लस्टर प्रॉपर्टी शो करने की एबिलिटी भी होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेटल और नॉन मेटल की। तो ये क्या होता है, चमकीला भी होता है, आप देख सकते हो ये कितना शाइनिंग है, ये शाइनिंग है कितना, है ना, क्यों, बिकॉज मेटल्स क्या होते हैं, शाइनिंग होते हैं और ये लस्टर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है, द प्रॉपर्टी
बाय वर्च्यू ऑफ मेटल्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड अ मेलेबिलिटी। ये बिल्कुल ध्यान रखना, इसकी डेफिनेशन आपसे जरूर एग्जाम में पूछी जाएगी कि डिफाइन मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी की डेफिनेशंस को बिल्कुल मैं समझा रहा हूँ, आप मेलेबिलिटी की डेफिनेशन अच्छे से याद करेंगे और एग्जाम में लिखेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे। देखिए मेलेबिलिटी क्या होती है, मेलेबिलिटी वो चीज़ होती है जब किसी भी चीज़ को, किसी भी मेटल को आप बीट करके यानी कि जैसे हथौड़े से इस पर वार करके आप इसको थिन शीट में बदल सको। ठीक है, शीट लाइक जैसे कि आप फूड फॉइल होती है आपकी, ठीक है, या फिर आप देखते हो कि कैटरन वगैरह होता है, ठीक है, वो सब के सब क्या होते हैं, पतली सी फॉइल पेपर की तरह कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, टीन की तरह से कन्वर्ट किया जाता है, टीन होता है ना जो छतों पे लगाया जाता है, वो उस टीन की तरह हम मेटल को कन्वर्ट करते हैं और उसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं, जिनको हम शीट में बदल पाए थिन शीट्स के अंदर। ठीक है, एक मान लीजिए मेटल है, उसको पीटते गए हैमर वगैरह से या फिर मशीन के द्वारा उसको हम शीट्स के अंदर बदल सकते हैं, जिसके द्वारा हम ड्रम हो गए, आपके जो भी मेटल के कई सारे आर्टिकल होते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो इस थिन शीट कन्वर्ट करने के वजह से ही बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी पांच प्रॉपर्टीज थी फिजिकल प्रॉपर्टीज में। आगे देखते हैं, तो मेटल्स क्या है ना, बीट इनटू थिन शीट्स मेलेबिलिटी आपको मैं डिस्कस कर सकूं। जैसे कि एल्युमिनियम फॉइल होता है, एल्युमिनियम फॉइल एक अच्छा एग्जांपल है, जैसे आप लंच ले जाते हो, है ना, लंच ले जाते हो तो उसमें एक फॉइल होता है, मम्मा देती है ना फॉइल के अंदर आपके फूड को, तो वो फॉइल क्या है, वो एक तरह से मेटल है और वो मेलेबिलिटी को शो करता है, जो आपका एल्युमिनियम फॉइल होता है जिसमें फूड पैक होता है। बिल्कुल ध्यान समझिए इस चीज़ को। ठीक है, तो ये आपकी मेलेबिलिटी थी, आई होप अब आपको अच्छे समझ आ गया हो। उसके बाद देखिए डक्टिलिटी क्या होती है। अच्छा, हमारे घरों में जो वायर होता है वो छोटे से वायर को खींच कर, या फिर इयररिंग्स होती हैं उनको क्या किया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है लंबे से वायर के अंदर, तो इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी कौन शो कर सकता है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ आपके मेटल शो कर पाते हैं। ठीक है, लाइक देखिए आप सबसे अच्छा इस इमेजेस को देखिए ध्यान से, ये देख रहे हो आप वायर है, ठीक है, ये वायर है ना, तो ये कहीं ना कहीं वायर कन्वर्ट हुई है अगर, तो ये किस तरह से प्रोड्यूस हुई है, कैसे बनी है, इसी प्रॉपर्टी को आप डक्टिलिटी कहते हैं। आप मेटल को इस तरह से वायर में कन्वर्ट कर सकते हो, नॉन मेटल को आप इस तरह से कभी कन्वर्ट नहीं कर पाओगे वायर में, तो मेटल को वायर के अंदर कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है, डक्टिलिटी कहलाता है। ठीक है, मेलेबिलिटी क्या थी, मेलेबिलिटी तो ये थी ना, मेलेबिलिटी आपको बताई थी मैंने, ये चीज़ थी। देखो आप इस एग्जाम्पल को भी देखो, अभी मैं देखो समझ आ रहा है, इस तरह के फॉइल होते हैं ना आपके जिसमें फूड पैक होता है, तो इसी प्रॉपर्टी को मेलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, मेलेबिलिटी आपको समझ आ गई, डक्टिलिटी भी समझ आ गई। मेटल आर सोनोरस, सोनोरस मतलब वो होता है जो आवाज़ प्रोड्यूस करे, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करे, उससे हम क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। ठीक है, तो मेटल्स एक ऐसी चीज होती है जो साउंड को प्रोड्यूस कर पाती है, जैसे कि हमारे स्कूल में क्या होता है, बेल होता है, तो जो आपके लंच के बेल बजती है, पीरियड्स के बेल बजते हैं, छुट्टी का बेल बजता है ना, बेल बजता है तो बड़ा मजा आता है ना, छुट्टी होगी पीरियड होगा, मजा बहुत आता है। ठीक है, तो ये क्यों है, ये सोनोरस प्रॉपर्टी है, ये कौन शो करते हैं, मेटल्स शो करते हैं, कौन शो करते हैं, मेटल्स। उसके बाद देखिए, एक्सेप्शन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम मर्करी मोस्ट ऑफ द मेटल हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखिए मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इस चीज को समझो, कोई भी चीज जब आप लिक्विड में बदल देते हो, ठीक है, मेल्ट कर देते हो, पिघला देते हो, तो जिस टेम्परेचर पे, कोई तापमान होता है ना, जिस तापमान पे कोई चीज पिघल जाती है, जैसे बर्फ है उसको बाहर निकालो पिघल जाती है, इस तरीके से लोहा भी होता है, उसको बहुत ज्यादा तापमान पे ले जाओगे, टेम्परेचर हाई करोगे तो पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। तो जितने भी आपके मेटल्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा तापमान पे पिघलते हैं, बहुत ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट की मतलब वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी चीज पिघल जाती है, सॉलिड से लिक्विड में, ठीक है, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में जब जाती है, तो जिस टेम्परेचर पे, जिस तापमान पे, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। उसके बाद बॉइलिंग वही चीज की उबल जाए, कोई भी चीज उबल जाए, तो किसी टेम्परेचर पे किसी कोई चीज बॉइल भी हो सकती है, ठीक है, गैस में बदल सकती है, ठीक है, गैस अवस्था में बदल सकती है, उससे हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तापमान, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर अगर आप दोगे तो किसी भी मेटल को आप पिघला पाओगे और उबाल पाओगे। लेकिन जो सोडियम पोटेशियम मरकरी होता है, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, थोड़े से तापमान पे ही पिघल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, बॉइल भी हो जाएगा। ठीक है, सोडियम पोटेशियम मरकरी का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है। ठीक है, एकदम ध्यान से सुनिए हर बात को। मेटल्स हैव अ हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी से इसका मतलब है कि जो मेटल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा घनत्व वाले होते हैं, मतलब कि उनको आप तोड़ नहीं सकते, अभी के लिए इतना समझिए बस। ठीक है, हाई डेंसिटी होती है, बहुत स्ट्रांग होते हैं, इनमें सारे जो पार्टिकल्स होते हैं एक जगह प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हाई डेंसिटी होते हैं। मेटल्स हैव द हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल आसानी से टूट नहीं सकता है, स्ट्रेच कर सकता है। ठीक है, तो ये जो होता है ये हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, जैसे आपके जो ये देखिए इस टेंसाइल स्ट्रेंथ को शो कर रहा है,
इसमें देखिए ये एक तरह से चैन है, ये चैन किसकी है, मेटल की। अगर ये नॉन मेटल की होती या प्लास्टिक की होती, रस्सी की होती, तो टूट जाती, लेकिन नहीं टूट रहे, यानी बहुत ज़्यादा भार सहने की क्षमता होती है मेटल के अंदर। मेटल बहुत ज़्यादा भार को सह सकता है, इसीलिए इसकी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो ये आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज थी। ठीक है, अब देखिए कंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था ना, इसको देख कर आप समझ सकते हो। कंडक्शन यहाँ पे हमने क्या क्या हीट दिया, और यहाँ से हीट कहाँ पहुँच गई, यहाँ पे जहाँ पे आप टच कर रहे हो, ठीक है, हैंड जहाँ से पकड़ रहे हो वहाँ पे हीट पहुँच गई, तो ये हीट को कंडक्ट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है, इसे हम कहते हैं हीट कंडक्शन। ठीक है, तो ये आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज थी ऑफ मेटल की। इसमें से कोई भी आप 6 से 7 पॉइंट याद रखिए अच्छे से, और एग्जाम में जरूर आएगा। तो नॉन मेटल की जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहले देखिए नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल्स द एलिमेंट विच आर ब्रिटल डल दैट, अब देखिए नॉन मेटल्स वो होते हैं जिनमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती। ठीक है, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब आपके क्या है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो इनकी क्या होती है, इनकी भी कुछ ना कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, कि देखने में कैसे होते हैं, इनका कलर कैसा होता है, ये सारी की सारी चीज़ें इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी होते हैं, आप पहले एग्जाम्पल समझ लो, नॉन मेटल को अच्छे से एक बार समझ लेते फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो जो ऑक्सीजन हो गया, एयर हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, अब जो नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल होता है इसको हम एक थिन शीट में नहीं बदल सकते, इसके अंदर ना डक्टिलिटी होती है ना मेलेबिलिटी होती है, इसके अंदर मेटल जैसी क्वालिटीज़ नहीं होती। नॉन मेटल क्या होता है, टफ भी नहीं होता, हार्ड भी नहीं होता, ठीक है, आसानी से टूट जाता है, ये शाइनिंग भी नहीं होता, ठीक है, और ये आसानी से पिघल सकता है, आसानी से ये मेल्ट हो सकता है। ठीक है, ये आपके नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, एक एक करके डिस्कस करते हैं पहले। लेकिन देखो एग्जांपल आप जरूर याद रखना, ऑर्गन, क्रिप्टन, ये गैसेस जो होती है ना, सारी के सारी क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होती हैं। तो पहली जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल की, देखिए मेटल्स आर द गैसेस सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। ये क्या होते हैं, ये जो नॉन मेटल होते हैं ना, ये ठोस भी हो सकते हैं, ठोस नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, नॉन मेटल की ये खास बात होती है, नॉन मेटल क्या होता है, ठोस हो भी सकता है, ठोस नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में होता है, लेकिन एक ब्रोमीन जो होता है वो किस में पाया जाता है, लिक्विड में पाया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर आपके जो नॉन मेटल होंगे ना, या तो वो गैस में होंगे या तो वो सॉलिड में होंगे, लिक्विड में नॉन मेटल नहीं होते हैं, नॉन मेटल लिक्विड में नहीं होते हैं। लिक्विड नॉन मेटल किस में पाए जाते हैं, या तो ज़्यादातर वो गैस में होंगे या ज़्यादातर सॉलिड में होंगे, लेकिन जो ब्रोमीन होता है या फिर ये ब्रोमीन जो होता है ये लिक्विड में पाया जाता है। तो ये आप ज़रूर नोट कर लीजिए इस एक्सेप्शन को, कि ब्रोमीन ऐसी चीज़ है जो लिक्विड में पाई जाती है। उसका नॉन मेटल डो नॉट हैव द लस्टर, मतलब नॉन मेटल जो होता है वो चमकीला नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन आयोडीन और ऐसा ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, चमकीले होते हैं। ठीक है, नोट करते चलाओ, आयोडीन जैसे आपका नमक होता है ना, वो क्या होता है, चमकीला होता है ना, तो जो आयोडीन होता है और ग्रेफाइट होता है ये दोनों चीज़ें क्या होती है, चमकीली होती है। लेकिन बाकी जो नॉन मेटल होते हैं वो नॉन लस्टर होते हैं, बाकी जितने नॉन मेटल होंगे वो चमकीले नहीं होते, लस्टर नहीं होते, ये बात आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट होगा, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी, ये हीट को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, मान लो आपने एक पार्ट पे गर्माहट पैदा की और दूसरी जगह पे अगर आप चाहते हैं, जैसे कि ये आपके पास एक रॉड है, ठीक है, अगर ये नॉन मेटल की बनी है तो अगर हमने इसे हीट दिया यहाँ पे हमने हीट दिया बहुत सारा, अब यहाँ पे जो गर्माहट होगी, यहाँ पे जो हीट होगी, वो हीट यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो सकती, तो नॉन मेटल हीट को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, इसीलिए नॉन मेटल जो होता है बैड कंडक्टर होता है ऑफ हीट। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रिसिटी को भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकता, इसीलिए जो हमारे घर में जो वायर है वो मेटल्स की होती है, ठीक है, कॉपर की, एल्युमिनियम की, ठीक है, कोई भी प्लास्टिक वगैरह की वायर आपने नहीं देखी है आपके घर में होती है? नहीं होती है। ठीक है, तो नॉन मेटल इज़ अ पुअर कंडक्टर हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को दूसरी जगह पास नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें कोई क्षमता नहीं होती एक जगह से दूसरी इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की। उस तरीके से नॉन मेटल्स आर ब्रिटल डेट दे आर नाइदर बी मिलेबल एंड नॉन डक्टाइल। ठीक है, ये क्या होता है, ब्रिटेबल तो ये मिलेबल नहीं होता, मिलेबल मतलब बता रखा है मैंने आपको एक वीडियो में, आप देख सकते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल वाली वीडियो आप देखो, उसमें है मिलेबल को अच्छे से एक बार डिस्कस। मिलेबल वो होता है जिसको हम थिन शीट में बदल सकते हैं, तो हम नॉन मेटल को थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, एल्युमिनियम फॉइल जो होती है जो फूड पैकिंग के लिए यूज़ होती है उसकी उस तरह से हम इसे नहीं बना सकते, और इसे हम खींच के एक तार की तरह भी नहीं बना सकते। ठीक है, तार होता है, वायर की तरह भी नहीं बना सकते। नॉन मेटल नॉन मिलेबल होता है, नॉन डक्टाइल अपोजिट्स है, मेटल के सारी चीज़ें अपोजिट थी। यूजली लो डेंसिटी, ये क्या होता है, लो डेंसिटी होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता, और नॉन मेटल नो लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, आसानी से पिघल सकता है। ठीक है, जैसे देखो ये आसानी से पिघल सकता है और उबल सकता है। ठीक है, पिघल सकता है और उबल सकता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी, उबलने की क्षमता और पिघलने की क्षमता भी बहुत कम होती है, आसानी से पिघल जाएगा और बॉयल हो जाएगा।
और ये नॉन सोनोरस होता है, मतलब कि इसमें कोई भी साउंड ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है, इससे आवाज़ पैदा नहीं कर सकते। तो ये आपके नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ थी। इसमें से कोई भी पाँच आप याद रखिए। अगर आपको मेलेबल और डक्टाइल ये सब चीज़ें और अच्छे सीखनी, तो आप हमारी एक वीडियो है उसमें समझ सकते हो, ठीक है। तो ये हमेशा मेटल का पॉजिटिव होगा नॉन मेटल, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखना नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ये हैं, ठीक है। मेटलॉइड की बात करते हैं, द एलिमेंट विच पॉजिज द प्रॉपर्टीज। अब जो एलिमेंट या मेटल भी हो नॉन मेटल भी हो, उससे हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं। याद रखो, जो एलिमेंट नॉन मेटल भी है, ठीक है, नॉन मेटल भी है और नॉन मैन लो नॉन एम मतलब नॉन मेटल, और क्या है वो मेटल भी है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये बस इतना आपको याद रखना है। उसके एग्जाम्पल हो गया बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल होते हैं मेटलॉइड्स के, ठीक है। एलिमेंट पोजेस बोथ प्रॉपर्टीज, जो दोनों की प्रॉपर्टी को रखता हो, जो दोनों की विशेषताएं शो करता हो, वो क्या होता है, मेटलॉइड्स होता है। इस एग्जाम्पल याद रखना, सिलिकॉन, जर्मोनियम, आर्सेनिक, एंटोनोमीन में से कोई दो तीन याद रखो, ठीक है। मेटलॉइड्स वो जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करेंगे।